फ्रेंड्स हाउ आर यू। सॉरी आज जो है 6:30 बजे का टाइम दिया था, आधा घंटा लेट हुआ है। सम टेक्निकल इशू था, ये मानवतावादी मीडिया सेंटर की टीम का, तो एक तो इंटरनेट भी स्लो चल रहा था और कुछ टेक्निकल इशू आया, उसके वजह से आधे घंटा जो है वो लेट हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज टू यू कि आधा घंटा आपको लेट हुआ है, बट नेवरदलेस आप लोग जो है इस पर जुड़िए, बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस फेसबुक लाइव को जो है वो उसका जो है बेनिफिट ले सके। आप जानते हैं कि इसके पहले भी हम 2-3 फेसबुक लाइव कर चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, और आप लोग जो है वो काफ़ी डिटेल में सवाल पूछते रहे हैं। और ये फेसबुक लाइव करने का मकसद ये है कि एक तो मेरा जो बुक है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म और अनेक अंगो मगो, द मैनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस नेचर एंड वर्ल्ड, साइंस ट्रुथ ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स। ये जो मेरा बुक है वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो गया है, उसका फिनिशिंग टच जो है वो चालू है, और बहुत जल्द जो है आप लोगों के बीच में जो है एक शॉर्ट पीरियड में वो जो है वो बाहर आएगा। जितना उसको प्रिंटिंग और बाइंडिंग के लिए समय लगेगा, उतना समय लेते हुए जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके बीच में जो है ये बुक आउट हो जाएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि ये साइंस और सोल्यूशंस का डिस्कोर्स है, और मैं ये चाहूँगा, मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है इसको ज़रूर पढ़े। वैसे पढ़ना नहीं पढ़ना ही आपका चॉइस है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों से विनती करूँगा कि आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। शायद इसका जो है वो बुकिंग भी कुछ लोग करा रहे हैं, और बाद में अमेज़ॉन पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा, तो आप जैसा भी उचित समझे इसको आप जो है वो पढ़ने के लिए जो है प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, उन 3 राज्यों में चुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में जो है वो चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं, उसकी तैयारियां जो है अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है, और अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग जो है इसकी तैयारी में लगे हुए बड़े पैमाने पर, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो डेवलपमेंट है, उसके तरफ भी हमें ध्यान देना है। और जैसे ही इस महीने में मैं फ्री हो जाता हूँ ये बुक के तमाम कामों से जो है, तो सितंबर महीने से मैं आप लोगों के बीच में जो है ये इलेक्शंस को लेकर ज़्यादा एक्टिवली जो है आप लोगों के बीच में आऊँगा, और हम लोगों को 3 राज्यों में अच्छा इलेक्शन लड़ के जो है पार्टी को अच्छा जो है वो एक्सपांड करना है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स को लेना है, और अगर कोई सीट्स अगर हम विन कर सकते तो उसका भी प्रयास हमको जो है वो ज़रूर करना है। ये एक प्रयास हमको करना है। आप लोग सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हमारे लिए जो है सेटिस्फैक्ट्री रहा है, क्योंकि हमको लगभग 4 लाख वोट मिला है पूरे देश में, 17 राज्यों में। 2 राज्यों की सीट्स हमारी फॉर्म कैंसिल होने की वजह से गया, लेकिन 17 राज्यों में हमको 4 लाख वोट लगभग जो है वो मिला हुआ है, और ये हमारे लिए बड़ा इंकरेजिंग है। राजस्थान में हमको 88,500 वोट मिला है, 58,500 वोट हमको उड़ीसा में मिला है, 57,500 वोट हमें जो है छत्तीसगढ़ में मिला है, 51,500 वोट जो है हमें महाराष्ट्र में मिला है, 32,500 वोट लगभग हमको मध्य प्रदेश में मिला है, 25,000 के ऊपर वोट हमको बिहार और झारखंड में मिला हुआ है, और त्रिपुरा जैसे स्टेट में एंट्री हुई है, तेलंगाना में अच्छा वोट मिला है, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, गुजरात, ये तमाम स्टेट्स में जो है हमारा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, पंजाब। तो मैं समझता हूँ कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो है एक अच्छा शेप ले रही है, और जो ये 3 इलेक्शंस है 3 स्टेट्स के, इसको हमें अच्छे से लड़ना है और आगे जाना है। और पिछले फेसबुक लाइव में मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे जो 15 बिल्स हैं उनको अगर कोई MP तैयार हो तो मैं अपना नाम हटा के उनको देना चाहता हूँ, प्राइवेट मेंबर बिल करके। इस दिशा में कुछ प्रोग्रेस है, कुछ मेंबर पार्लियामेंट से इसको सीरियसली ले रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि विंटर सेशन या उसके बाद का जो बजट सेशन आएगा, अगर कोई MP तैयार हो जाते तो इसको प्राइवेट मेंबर बिल करके जो है हम लोग मूव कर पाएंगे। और जो है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है, और पूरे देश के अंदर में लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं, और कुछ नए नए राज्यों में बड़े अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और इसके साथ आप लोग सब जानते हैं कि देश के अंदर में लॉ मेकिंग में कुछ इंपॉर्टेंट लॉज जो है वो बनाए गए हैं बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर में, इंक्लूडिंग JNK का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में फिर इंडियन इकोनॉमी जो है 5वें नंबर पे आते आते 7वें नंबर पर चली गई है, ये कुछ एक मेजर डेवलपमेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके ऊपर में कुछ व्यूज़ जो है वो बुलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है किस तरह से जो है हमको आगे जाना है, इन चीज़ों के ऊपर यदि आप अपने सवाल जो है वो अच्छे से
प्लेस करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हमारे बीच में मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से जो है यमलेश जी है, अतुल जी आज नहीं, अतुल जी कुछ कामों से बाहर है, तो आप अपने क्वेश्चंस को प्लेस करें, वो मुझे पूछेंगे और मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी उसका जो है वो रिप्लाई देना पसंद करूँगा। थैंक यू। जैसा कि हमने आपसे कहा था पहले ही कि फेसबुक लाइव पे हम संवाद, जो कि लंबे समय से आप लोगों के साथ संवाद नहीं हो पाया था, तो इस संवाद के दृष्टिकोण से यह फेसबुक लाइव आज का आयोजित किया गया मानवतावादी मीडिया सेंटर की ओर से। तो हमारे बीच अभी अभी कुछ हमारे फेसबुक मित्रों की ओर से सवाल आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने सवाल किया है, व्हाट इज योर स्टैंड ऑन ईवीएम, ईवीएम को लेकर सवाल किया कि आपका क्या स्टैंड है ईवीएम को लेकर। नहीं, इट इज़ वेरी क्लियर जो है ईवीएम को लेकर जो है, रादर अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया तो फर्स्ट पार्टी थी जिसमें मैंने जो है वो पिटिशन किया था और उसके काफ़ी कुछ नतीजे भी आए हैं। मेरा क्लियर मानना है कि जो है पैलेट से चुनाव होना चाहिए और यदि वो नहीं होता है तो 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए। मेरे जो 11 बिल्स है उसमें इसका ऑलरेडी प्रोविजन किया है और इंटरनेशनल रूल भी है कि मिनिमम 30% होना चाहिए, पर मिनिमम 30% से भी इंडिया में सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जो है 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग, अगर ईवीएम है 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए, अदरवाइज द बेस्ट वे इज टू शिफ्ट ऑन द बैलेट, वो जो ओल्ड मेथड था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बड़ा क्लियर है और इस पर जो है एपीआई इज द फर्स्ट पार्टी जिस पर हम लोगों ने इस पर काम किया था, उसके बाद ही पूरा मैं 40 पार्टीज को लिख के भेजा है, उसके बाद चुनावी व्यवस्था को लेकर जो है इस पर डेवलपमेंट हुए। बट मेरा ऐसा क्लियर मानना है कि ईवीएम इज़ वन ऑफ द इशू इन द इलेक्ट्रल सिस्टम और इससे इसके साथ साथ बहुत गंभीर दूसरे जो है इश्यूज है जिस पर भारत के पॉलिटिकल पार्टीज का अभी भी ध्यान नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं है कि फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम विच इज़ अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम, जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम विथ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सिंगल वोट विक्ट्री, यानी चाहे आपको 5 लाख वोट मिले, आगे वाले को 5 लाख 1 वोट मिले तो आप घर बैठोगे, वो पार्लियामेंट जाएगा या वो असेंबली जाएगा। ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव और मेजोरिटी वोटर्स को नॉन रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। तो भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत है और जहाँ कुछ और सीटें हैं एफपीटीपी की, वहाँ सिंगल मेंबर नहीं डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए ताकि मेजॉरिटी वोटर्स जो है वो वोट को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये पहला पॉइंट है, इस पर मैं बोलते रहा हूँ। दूसरा, MP MLA की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, मेंबर पार्लियामेंट की 542 से लगभग 1500 करने की ज़रूरत है और 4000 लगभग MLA जो है उससे लगभग 6000 के ऊपर जो है MLA की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर पब्लिक फंडिंग, चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज और कैंडिडेट्स को बजट से या एक नेशनल इलेक्टोरल फंड हो उसमें से पैसा मिले, ये ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पर सीलिंग लगना चाहिए, ये ज़रूरी है। मीडिया को रेगुलेशन का लॉ बनाना चाहिए, ये ज़रूरी है। और प्रॉपर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जब होगी, जब कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बनेगा, तब जाके हमारा हर वोट रिप्रेजेंटेटिव होगा, तब जाके जो माइनॉरिटीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ यानी केवल मैं रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, जो अप्रेस्ड लोग हैं, जो गांव कस्बे के लोग हैं, जो अपने बेसिस पर जो है वो लोकसभा या विधानसभा जाने में जिनकी शक्ति नहीं है, वो लोग जो है वो पार्लियामेंट और असेंबलीज में पहुँच पाएंगे, तब जाके लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर होगा। तो ईवीएम के साथ पूरा चुनावी व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। उस पर मैं ऑलरेडी 11 बिल्स पार्लियामेंट को पिटिशन कर चुका हूँ, प्रेजेंट कर चुका हूं और उसको अभी, क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स में पार्लियामेंट के प्रोविजन नहीं है, तो आई वांट दैट समवन शुड मूव इट एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, तो उस कोशिश में मैं लगा हूं और जैसे अच्छी न्यूज़ आएंगी मैं आप लोगों से शेयर करूँ।